देखिए, प्रेरणा तो एक्चुअली भगवान की इच्छा से ही प्रेरणा होती है, क्योंकि ये पूरा भारत जो है, ये भारत में इतना धार्मिक स्थान, इतना मंदिर, इतना तीर्थ स्थान है, जहाँ जाने की एक सौभाग्य प्राप्त करने की मिला है हमको। आपकी उम्र कितनी है? मेरा तो अभी 35 साल में निकला था, अभी तो 36 प्लस हो गया। अच्छा सफर करते करते अच्छा अच्छा स्टार्ट किया था बंगाल से, उसके बाद झारखंड, बिहार, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, आप डायरेक्ट सीधा इधर नहीं आए, भारत भ्रमण कर रहे हैं एक्चुअली आप? ये पूरा भारत, ऑल इंडिया टूर है ये। माता जी आशीर्वाद कीजिए आप, माता जी आपका चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हाँ आशीर्वाद कीजिए आप माता जी। आप माता जी का परिवार नहीं होगा और अकेले शायद अपना जीवन व्यतीत करती है? नहीं माता जी, नहीं माता जी, ऐसा रोना नहीं माता जी, ऐसा रोना नहीं माता जी। जवान लड़का वो खत्म बन गया। अच्छा नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। इस वक्त हमारे साथ हमारे ये भाई हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले, नाम है अरूप विश्वास, और पश्चिम बंगाल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं साइकिल से। आप देख सकते हैं ये इनकी एक साइकिल है और साइकिल पे ये सोलर ऊर्जा का एक सिस्टम है, जिससे सोलर ऊर्जा का जो सिस्टम है इससे आप क्या क्या करते हैं? इसमें आपको मोबाइल चार्ज होता है और लाइट चलती है और यह हॉर्नबर्सी लगा के रखता हूँ, ये बच बच। और मैं आपको बता दूं कि ये उत्तराखंड का इस समय जो रुद्रप्रयाग जिला है, उस रुद्रप्रयाग जिले में हम रतोला गांव में है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत ये प्रकृति के नज़ारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और खुद हम यहाँ पर दिल्ली से अपने छोटे भाई और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं बद्रीनाथ धाम में, तो हमें ये भाई मिले अरूप विश्वास जी। नमस्कार। तो सर, आप जो यहाँ पर ये साइकिल से जो यात्रा कर रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा कैसे मिली, कैसे आपका मन हुआ कि मैं साइकिल से ये यात्रा करूँ? देखिए, प्रेरणा तो एक्चुअली भगवान की इच्छा से ही प्रेरणा होती है। हाँ, क्योंकि ये पूरा भारत जो है, ये भारत में इतना धार्मिक स्थान, इतना मंदिर, इतना तीर्थ स्थान है, जहाँ जाने की एक सौभाग्य प्राप्त करने की मिला है हमको, और इसीलिए ये सबसे बड़ा बात है, ये भगवान का अनुप्रेरणा है। भगवान का कृपा आपका जब तक नहीं मिलेगा ना, तब तक आप मंदिर, तीर्थ स्थान, धाम पर आप जा नहीं पाएंगे। आपकी उम्र कितनी है? मेरा तो अभी 35 साल में निकला था, अभी तो 36 प्लस हो गया। अच्छा, सफर करते करते। अच्छा अच्छा और आपकी पढ़ाई कितनी है? 11 क्लास तक पढ़ाई किया, 11वीं क्लास तक पढ़े। और पश्चिम बंगाल में कौन सी जगह से आप आए हैं? उत्तर 24 परगना जिला, कलकत्ता के एकदम पास ही, वहाँ से आप आ रहे हैं। अब तो पश्चिम बंगाल से यहाँ तक आते आते आपको साइकिल पर 1 वर्ष हो गया? हाँ, 1 वर्ष 4 महीना और भी 4 महीनों भी हो गया, 16 महीना। अच्छा, 12, 4, 16 महीने हो गए। 16 महीने में मतलब किन किन पड़ाव से आप कहाँ कहाँ से होते हुए आए हैं? स्टार्ट किया था बंगाल से, उसके बाद झारखंड, बिहार, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, आप डायरेक्ट सीधा इधर नहीं आए, भारत भ्रमण कर रहे हैं एक्चुअली आप? ये पूरा भारत, ऑल इंडिया टूर है ये, पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं ये यात्रा। पूरा भारत हमारा देश में 28 स्टेट, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, हर प्रदेश में जाना है और बहुत कुछ मिल रहा है ये सफर में। अलग अलग स्टेट है, कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, कपड़ा अलग है, खाना अलग है, सब कुछ अलग अलग। हर रोज कुछ ना कुछ नए नए कुछ सीख रहा हूँ और इतना साधु संतों का, साधु संतों में बहुत अच्छा लगता है, उनका भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, अभी आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं? प्रयास कर रहा हूँ ये सफर करने की बात सोचूंगा कि। अच्छा, अभी फिलहाल अविवाहित हैं और चलो इसके बाद आपको भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, आपका परिवार बसे, आप जिंदगी में अपने भविष्य में सकुशल बहुत खुशी के साथ अपने परिवार के साथ रहें, यही हमारी आपके लिए कामना होगी, प्रार्थना होगी ईश्वर से। और कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को? देशवासियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे साथ एक मैसेज लेके निकला हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
सेव ट्रीज सेव वाटर, पेड़ पौधा बचाओ पानी बचाओ, ये पर्यावरण अभियान आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से मैं पूरा ऑल इंडिया का इंसान के पास ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि पेड़ पौधा ना काटा जाए, पानी को सेव किया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पौधा वृक्षरोपण करें। आपके जैसे बहुत लोग बड़े बड़े संगठन पानी बचाने की बात करते हैं, और हम यहाँ आज उत्तराखंड में आए हैं, उत्तराखंड में हमने देखा कि आज पानी नजर नहीं आ रहा है। पहले जब हम चलते थे जगह जगह झरने बहते हुए दिखते थे, ऋषिकेश से ही शुरू हो जाता था, और आज एक बहुत छोटी सी धार से पाइप से पानी लोगों को मिल रहा है। यहाँ अभी हमने देखा श्रीनगर में जो है नदी गायब हो गई है, पानी नहीं है श्रीनगर में, तो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो एक्चुअली मैं उत्तराखंड में, देखिए आप तो गाड़ी से आ रहे हैं ना, तो आपको नजर में हो सकता है कुछ नहीं आया। उत्तराखंड में पानी का समस्या नहीं है, गाड़ी से आते थे तो जहाँ मैंने देखा कि पानी हुआ करता था बहुत। हाँ ऐसा हो सकता है, बहुत पानी जितना ज्यादा हुआ करता था, अभी इतना नहीं हुआ कर रहा है कि कम हो रहा है। हाँ जी, तो इसलिए भी क्योंकि जगह जगह सारे सरकार ने अपने कुछ कामों की वजह से काट दिया है, बांध दिया है, इधर उधर सब सब बर्बाद कर दिया है। हाँ, और आने वाले समय में ये उत्तराखंड के लोगों के लिए और भी ज्यादा समस्या का कारण बनेगा। हाँ ये तो बिल्कुल, तो यही तो कहना चाहता हूँ, इसी इसके ऊपर सरकार की ध्यान देना आवश्यक है कि जन कल्याण के लिए सरकार तो अपना अपना काम करती ही रहता है। तो यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ पानी का समस्या है, हर जगह का सरकारी ऐसा ध्यान दे पानी के ऊपर, और पौधा ना काटा जाए। मैं खुद देखा हूँ नॉर्थ ईस्ट पे, मेघालय में मेरा नज़र में आया, जंगल काट रहे जला रहे, मैं जाती हूँ बात भी किया, तो ऐसा ना करना चाहिए कि क्योंकि पेड़ नहीं बचेगा ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, और पानी तो इंसान का जिंदगी है, पानी बिना इंसान जी नहीं सकता है, इसलिए पानी और पेड़ के बारे में सोचना आवश्यक है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग पेड़ ना काटिए, पेड़ ज़्यादा लग रोपण कीजिए, वृक्षरोपण तो एक अच्छा काम है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग दिन दिन भर जितना श्वास लेते रहता हो, सोचिए ना ये पौधा नहीं रहेगा तो बिल्कुल कैसा श्वास मिलेगी, इसी के लिए मेरा एक प्रयास है। आपको इस सफर के दौरान कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, समस्याएं भी आ रही होंगी? बहुत समस्याएं, देखिए समस्याएं कुछ समस्या आता है, लेकिन मेरा पास तो मेरा प्रभु इष्ट देव हनुमान जी है, गुरु जी का कृपा, माता पिता जी का आशीर्वाद, देशवासियों का प्रेम भाव से मेरा पास कोई समस्या, अगर अगर थोड़ी समय के लिए आया तो निकल गया, मेरा कोई समस्या ही नहीं है। जिनका पास भगवान प्रभु श्री रामचंद्र है, जिनका पास भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है, उनका कोई जिंदगी में समस्या हो ही नहीं सकता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, इतना विश्वास ईश्वर के प्रति। हमारे साथ एक माता भी जी है, माता जी भी है जो कि यहीं के निवासी है, आप कुछ बोले? क्या बोलना है, कुछ नहीं, माता जी रो दिया, देखिए भगवान का बात सुनने, मेरा पास भी हनुमान जी, सारी बातें सुनकर के ही माता जी इतनी भावुक हो गई हैं, कुछ कह ही नहीं पा रही हैं। हाँ माता जी आशीर्वाद कीजिए आप, माता जी आपका चरण में मेरा कोटि कोटि नमन। हाँ आशीर्वाद कीजिए आप माता जी, आप ऐसा रोइए मत माता जी, हर नाम कीजिए, नाम सिर्फ नाम कलयुग में आधार है, आप खाली नाम का शरण में रहिए, प्रभु आपका कृपा बिल्कुल करेगा, प्रभु इतना दयालु है, प्रभु इतना कृपालु है। अब जो भी नाम, भगवान श्री राम का नाम लीजिए, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए, बस भगवान का नाम लीजिए, देखिए नाम में पूरा एकदम मुक्ति मिल जाएगा, उद्धार मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ही सबका सहारा है, सही बात है। नहीं माता जी ऐसा रोना नहीं, कल माता जी का परिवार नहीं होगा और अकेले शायद अपना जीवन व्यतीत करती है। नहीं माता जी, नहीं माता जी ऐसा रोना नहीं, माता जी ऐसा रोना नहीं, माता जी जवान लड़का वो खत्म बन गया। अच्छा देखिए माता जी, ये सब ये जो है ना, जो हमारा जिंदगी में चल रहा है समस्या, इंसान को जिंदगी में आते हैं, ये सब कर्म के फल है माता, नाम लीजिए ना सारे कर्म। आप अकेले रहते हैं? हाँ। अच्छा, बड़ी दिक्कत है ना, भगवान के नाम लीजिए बस और कुछ नहीं, सारे कष्ट दूर हो जाएगा भगवान के नाम लेने पर, नाम का आधार में रह जाइए। तो आप सब भी ये वीडियो देखने के साथ साथ इनके जो आरोप विश्वास है इनके लिए कमेंट करें कि इनकी जो सोच है वो पूरी हो, इनकी जो यात्रा है भारत की, पूरे भारत भ्रमण की, वो पूरी हो और अच्छे से हो,
साकुशल अपने परिवार में लौटे, इनका परिवार बने, आगे बढ़े और सभी को ऐसी सद्बुद्धि मिले जैसी इनके विचार है। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से विदा लेता हूँ। हमारी ये पेशकश, हमारी ये खबर, हमारा ये छोटी सी जो भेंट थी अरुप विश्वास के साथ, आपको कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बद्री विशाल। जय बद्री, प्रणाम। हाँ माता जी, अच्छा रहिए। बढ़ गए हैं अपनी मंजिल की तरफ अरुप विश्वास।